अब ईवीएम खुलना शुरू हुई है, अब ईवीएम खुलना शुरू हुई है और जल्दी और तेजी से आंकड़े आएंगे। 120 मध्य प्रदेश के जो रुझान आए हैं उनमें 69 पर बीजेपी आगे, यानी बड़ी लीड बनाती हुई बीजेपी मध्य प्रदेश में। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर। आप ये भी देख लीजिए, 18 का गैप है, 120 में से 69 में आ गए हैं। 21-22 का था वो धीरे धीरे आप देख लीजिए कि वो सिकुड़ रहा है, तो इसलिए अभी वो तो छत्तीसगढ़ में भी सिकुड़ रहा है। नहीं नहीं ठीक है, वही तेलंगाना में भी सिकुड़ रहा है। इसीलिए बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी ये चूंकि शुरुआती है, बिल्कुल शुरुआती है, इसलिए मैं खामोश हूँ। अभी सब कुछ जो है पता चल जाएगा और ये जो लड्डू और हलवा ये सब रखा रह जाएगा। ये लहार सीट से गोविंद सिंह आगे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में हर बार जीतते हैं वो। लेकिन विजय जी ये बात तो सही है कि जो जैसा आप उम्मीद कर रहे थे वैसा तो नहीं हो रहा है। नहीं, पोस्टल बैलेट के लेकर मैं पहले ही कह चुका हूँ, अब तो खुल गई ईवीएम। हाँ, ईवीएम के रिजल्ट जैसे जैसे आने शुरू होंगे हम उस पर बाकायदा अपना पक्ष कांग्रेस पार्टी का रखेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी, ऐसी हमें अभी भी। मध्य प्रदेश में 124 में से 71 हो गई बीजेपी की, आप कह रहे हैं कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी। शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, ये अभी अभी अपडेट आया है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ भी आगे चल रहे हैं। इन दोनों ही सीटों के रुझान आने शुरू हो गए। तीन और चेहरे मध्य प्रदेश के हैं, जो बड़े चेहरे हैं उनका अपडेट भी आपको बता देती हूँ। फग्गन सिंह कुलस्ते भी आगे चल रहे हैं, गणेश सिंह आगे चल रहे हैं, ये सांसद है, आपको बताऊं बीजेपी से सांसद है, इसके भी आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, जी वो जयवर्धन सिंह आगे चल रहा। मैं रायपुर चल रहा हूं, यतेंद्र के पास। यतेंद्र कांग्रेस के वॉर रूम में वहां पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ में अब गैप जो है कांग्रेस ने बड़ा कर दिया है, 32-23 55 सीटों का जो रुझान आया उसमें 32 पर कांग्रेस आगे, 23 पर बीजेपी आगे। यतेंद्र देखिए, बिल्कुल किशोर, मैं जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो कंट्रोल रूम है वहां पर मैं मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता इस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और एक एक सीट पर जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं और आगे जिस तरह से मतगणना बढ़ती जाएगी वो एक एक सीट को उसको यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो और वो अपने प्रदेश जो नेतृत्व है उसके और केंद्रीय नेतृत्व के यहाँ पर संपर्क में रहेंगे। ये मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस के नेता, मैं आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से मॉनिटर, किस तरह से कंट्रोल रूम यहाँ पर काम कर रहा है। पूरी 90 विधानसभा में अंदर में जो मतगणना चल रही है, हमारे जो एजेंट हैं वो जैसे ही गिनती होती है या कहीं कोई गड़बड़ी की शिकायत होती है तुरंत वो बाहर में जो हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ, हर विधानसभा के लिए हमने 3-3 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगा रखा है मतगणना के बाहर में, जो अंदर से जो भी उनको सूचना मिले, चूँकि अंदर में मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है तो अंदर से उनको जो भी सूचना तुरंत मिलेगी वो यहाँ कंट्रोल रूम को बताएंगे। हमको अगर के वरिष्ठ नेताओं को खबर देनी तो वो करेंगे या जो हमको जो कार्रवाई करनी निर्वाचन आयोग में जो भी है संबंधित जो काउंटिंग सेंटर पर है उनके कार्यकर्ताओं के संपर्क में आप यहाँ बिल्कुल एकदम मिनट टू मिनट हम बिल्कुल उनके संपर्क में मिनट टू मिनट संपर्क में। लेकिन किशोर मैं आपको दिखा दूं, न्यूज 18 इंडिया का जो रीजनल चैनल वो भी यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है क्योंकि जो सीटों की पल पल की जो अपडेट आ रही है वो न्यूज 18 पर ही कांग्रेस भरोसा कर रही है और कांग्रेस फिलहाल छत्तीसगढ़ में आगे चल रही है।